नमस्कार, ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही काम का विषय है, जो सबके लिए है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। कई लोगों के मेरे पास प्रश्न भी आए कि अक्सर आपने भी सुना होगा कि जो डीप ब्रीदिंग बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग क्यों करनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग क्यों इतनी ज़्यादा असरदार नहीं है, डीप ब्रीदिंग का क्या फ़ायदा है, जो लंबी सांस लेते हैं लंबा छोड़ते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो उसका सीधा सीधा सा एक अपना मैं आपको एक लॉजिकल बात बताऊंगा। एक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जो हमारे फेफड़े हैं, जैसे कि मान लो कि भाई हमारे फेफड़ों में 100 ml जगह हो, 100 ml ऑक्सीजन लेने की क्षमता हो, लेकिन जब हम छोटी सांस लेते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, तो ये समझ लो कि 100 ml की जगह है और हम ले रहे हैं 1 ml सिर्फ। अगर 100 ml की जगह में 1 ml भेज रहे हैं तो आगे जो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन जो सारे अंगों में पहुंचना चाहिए ब्लड, वो कैसे पहुंचेगा 1 ml से? जब आप उसको 100 ml की जगह 100 ml ही भरेंगे, या कम से कम 100 ml नहीं 90-80 ml भरेंगे, तभी तो आप ये सोचे कि आप सारे अंगों को अपने आप ही आप ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, आपके फेफड़े काम करेंगे। तो बड़ी छोटी सी लॉजिकल सी बात है कि जितनी लंबी सांस होगी उतना ही आपके लिए, शरीर के अंगों के लिए अच्छा होगा। और योगा में इसलिए बोलते हैं योगासन करते वक्त कि लंबी सांस लेनी चाहिए, आपने देखा होगा खासकर अष्टांग योगासन जब हम करते हैं या कोई और बताते हैं उसमें, क्योंकि जब आप अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग हठ योग से थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल रास्ता है, क्योंकि हठ योग में आपको अपना स्थिरता पे ज्यादा, आप एक आसन में काफी देर तक रुकते हैं, अष्टांग योग में ऐसा नहीं होता है। अष्टांग योग में आपने देखा होगा कि हर एक आसन में अलग अलग तरह की ब्रीदिंग होती है, अलग अलग समय के लिए आपको ब्रीदिंग करनी पड़ती है, जैसे किसी में 5 सेकंड के लिए, किसी में 10 ब्रीदिंग करनी है, किसी में 8 करनी है। तो जितनी लंबी आप सांस लेंगे, जितना लंबा डीप इनहेल करेंगे डीप एक्सहेल करेंगे, उतनी ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो कि आपको जब देखा होगा कि आप आसन करते वक्त कुछ लोग थक जाते हैं, क्योंकि थक इसलिए जाते हैं क्योंकि सांस छोटी होती है, सांस अगर पूरी जाएगी, ऑक्सीजन पूरा जाएगा शरीर के अंदर, तो थकावट भी नहीं होगी। तो आप लंबी सांस लें हमेशा और लंबा ही छोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खींच के डीप अपना पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे कर लेना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, लेकिन अपनी सांसों की जो अपना समय सीमा है, समय है, उसको बढ़ाएं। जैसे एक सांस को कोशिश करें कि 3 या 4 सेकंड तक लंबी सांस लें, लंबा छोड़ें। इसको आप हमेशा अपने जीवन में अपना सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी सांसें जो अगर आप कम लेंगे और लंबी सांस लेंगे तो सांसें अपने आप ही ऑटोमेटिकल कम लेंगे, उससे आपके जीवन की जो अपना समय है, जीवन भी आपका बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। इसमें ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई बनी बनाई बात नहीं है, कहीं से किताबों से पढ़ के नहीं बताई, इसमें आप अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं। जितना ज्यादा अपना फेफड़ों को अपना भरेंगे उतना ज्यादा आपका जीवन लंबा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप, ये बहुत जरूरी बात है, ये आप तो अपने ऊपर लागू करें ही और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको, मित्रों को, परिवार को, बच्चों को, सबको बताएं और अपना स्वस्थ रहें। तो योग करें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।